राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत की महानगर इकाई की ओर से महानगर अध्यक्ष केएल चौधरी के नेतृत्व में एकता के आदर्श पर्व होली के शुभ अवसर पर महानगर टीम के सभी संप्रदायों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और वरिष्ठ इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कविताओं और शायरी के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारीगण में राजकुमार गौतम एडवोकेट प्रदेश महासचिव ने अपने विचार भी रखे। देश में अराजक तत्वों द्वारा भिन्न भिन्न धर्म के व्यक्तियों को उकसाकर सद्भाव बिगाड़ने को लेकर चिंता व्यक्त की गई और परिषद के कार्यकर्ताओं से देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की अपील की गई। साथ ही समस्त कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के अंत में भी सभी ने परस्पर गले लगाकर एक दूसरे के साथ नाच गाकर कार्यक्रम का हर्षोल्लासपूर्ण सृजन किया। इस अवसर पर अनिल कुमार शर्मा, राजकुमार गौतम, मनीष प्रजापति, अब्दुल सुबहान कुरैशी, राजेश दिवाकर, योगेश कुमार, तेज बहादुर गंगवार, राजीव विश्वई, संजय सक्सेना, प्रशांत प्रधान, गजेंद्र सिंह, राहुल सैनी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद शहजाद, अरुण गुप्ता, मोहम्मद नईम खान, डॉक्टर शमीम अनवर, शाहिद हुसैन, विभूर शर्मा, लक्की, अरुण पंडित, बबलू सैनी, विजय सैनी आदि के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली का त्यौहार एक इतना सुंदर तरीके से इस साल मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में हम सब महानगर और जिला और प्रदेश कार्यकारिणी के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर सभी से हमने अपील की थी कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर क्षेत्र में किसी तरह का कोई गलत कार्य ना करे, कोई आदमी जो गलत प्रकृति के लोग होते हैं वो लोग भी गलत संदेह ना दें। इस साल बहुत शांतिपूर्ण से इस होली का पर्व हमारा मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब लोगों ने मीटिंग रखी है। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को हम चाहते हैं गले से, सब हैं भाई भाई, गले लगाकर सबको यहाँ पर एक एक को बधाइयाँ दी गई, सभी को धन्यवाद दिया गया कि इसी कार्य के इसी तरह से हर कार्य को हम करते रहें।